हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है कि इज़ द बॉस रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इमोशनल वेलबींग एंड योर करियर प्रोग्रेशन ऑन द वर्क फ्रंट, एंड इफ नॉट देन व्हाट इज़ द वे आउट। सो बहुत बार जो मेरे पास यंगस्टर्स आते हैं, दे कम विद द डिलेमा कि सर, आई हैव बीन लाइक अ फ्रेशर और मे बी 2 years, 4 years इन टू द जॉब एंड आई हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माई बॉस, एज इन माई बॉस शुड इंश्योर दैट आई गेट द बेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, मेरी लर्निंग अच्छी हो, व्हेन इट कम्स टू इंक्रीमेंट द बॉस शुड फाइट फॉर मी इन द सिस्टम। बट ऐसा नहीं हो रहा है। आई मीन आई एम बीइंग वेरी सिंसियर, आई एम बीइंग वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, मेथोडिकल, बट मेरे को जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं दे आर नॉट द बेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, वो किसी और को मिल जाते हैं। मेरी अगर कलीग्स को 12% का इंक्रीमेंट मिलता है तो मुझे 10% का इंक्रीमेंट मिलता है, प्रमोशंस के समय मैं साइडलाइन हो जाता हूँ एंड बॉस को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा कैसा बॉस है? सो सबसे बड़ा इसमें लर्निंग यहाँ पे सबसे बड़ा ये रहेगा कि सारे बॉस आपके बड़े भाई पापा जैसे नहीं हो सकते हैं। बॉसेस की भी ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं दुनिया में, एंड इन द प्रोसेस बॉस को भी अपना नेक्स्ट गाड़ी खरीदना है, उसको भी अपने होम लोन के EMIs पे करने, और बॉस को भी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स में रेलेवेंट रहना है ताकि वो आगे उसको ग्रो कर पाए अपने आप के करियर को। एंड हैंस इट इज़ नॉट ऑब्लीगेटरी ऑन पार्ट ऑफ द बॉस टू मेक यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। वो जिम्मेदारी आपकी खुद की है। यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर करियर एंड नॉट बिलीव कि एक राम राज्य है और एकदम सब कुछ बहुत परफेक्ट है और मैं अच्छा वर्क करूँगा तो मेरे को रिजल्ट्स तो अच्छे मिलेंगे ही। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आई मीन इट विल नोवेयर हैपन इन जनरली अनलेस बहुत ज़्यादा कोई मेरिटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ट्रांसपेरेंट रिवॉर्ड रिकग्निशन सिस्टम्स हैं। जनरली यू विल हैव टू फाइट फॉर योर इंक्रीमेंट्स, यू हैव टू फाइट फॉर द बेस्ट ऑफ प्रमोशंस, फॉर द बेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो ये जिम्मेदारी आपकी है, आपके बॉस की नहीं है। यू कांट एट द एंड ऑफ एन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ योर लाइफ से कि अरे आई गॉट स्टक अप विद द रॉन्ग बॉस और बॉस मेरा परवाह नहीं करता। तो इन द वर्स्ट केस अगर बॉस अच्छा नहीं है तो बॉस बदलो। आप इंसान नहीं बदल सकते, आप अपने बॉस को बदल सकते हो। यू कैन क्विट ऑर्गेनाइजेशंस, यू कैन चेंज टू न्यू ऑर्गेनाइजेशंस, आप एक नया करियर पाथ चूज कर सकते हो। मे बी एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के आप टाइम पास कर सकते हो। By the time you are preparing for CAT, GMAT and looking for your next career move in terms of that MBA which is going to give you that next option, आप उसी organization में you make it abundantly clear कि you are not happy. Put it on mail, very polite mail, and write it to your boss's boss, to the HR head, that I feel that my career is not being given the right focus by the organization. I had very high expectations from this organization. वर्स्ट केस में क्या होगा? बैकफायर हो सकता है। बैकफायर होगा तो आपको साइडलाइन और ज़्यादा कर दिया जाएगा, बट हो सकता है क्लिक कर जाए। इनफॉर्मल मीटिंग्स में, लेट्स से समटाइम्स पार्टीज होता है, यू ट्राई टू क्रिएट बॉनहोमी विद पीपल एंड आर्टिकुलेट। देखिए, बच्चा भी जब तक रोता नहीं है माँ उसको दूध नहीं पिलाती है। तो इस दुनिया में आपको मांगना पड़ेगा कि भैया मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स चाहिए, मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, मेरा करियर का ये विज़न है, क्या आप ये करियर का विज़न फुलफ़िल करने में मेरी मदद कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर ऐसा नहीं होता है तो बॉस फिर बड़ा फाइट है। मतलब आपको अपना करियर का, यू हैव टू बी द वन हु इज़ टेकन चार्ज ऑफ योर करियर, अदरवाइज थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, राइट? एंड मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आई हैव ऑलवेज थॉट कि अरे बॉसेस वैसे क्यों नहीं होते, एग्जामिनर्स जैसे कि भाई हम अच्छा एग्ज़ाम लिख के आ जाते हैं तो अच्छे मार्क्स तो अपने आप आ जाते हैं, तो बॉसेस ऐसा क्यों नहीं करते हैं? बट ऐसा नहीं होगा। आई मीन दैट्स हाउ ऑर्गेनाइजेशंस वर्क, दैट्स हाउ दी होल पॉलिटिकल इक्वेशन वर्क। सो वर्क करवाने के लिए कोई और होता है, द ओनली रिवॉर्ड यू गेट फॉर गुड वर्क इज़ ऑफन मोर वर्क। आई मीन देर इज़ नो डिनाइंग ऑफ दैट फैक्ट। उस रियलिटी के साथ जिए इंस्टेड ऑफ कैरिंग दैट एज एन इमोशनल बैगेज। एंड व्हाट आर दी अदर स्ट्रैटेजीज दैट यू हैव काउंटर्ड? Let us know in the comment section, आपका क्या doubts है? Because I often keep mentoring youngsters, you know, I have that 30-minute slot जहाँ पर आप book कर सकते हैं, I look into your problem and give my peace of mind. तो उसमें मुझे बहुत सारे ऐसे problem statements मिलते हैं। तो आज ये problem statement जो समझ में आया कि नहीं भाई, youngsters को लगता है कि नहीं हमारे साथ ही गलत हो रहा है, आपके साथ ही गलत नहीं हो रहा है, ये system ही ऐसा है। तो सिस्टम ही ऐसा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना कि अच्छा सिस्टम ही ऐसा है, मेरे साथ कुछ अनोखा नहीं हो रहा है, उससे आप बहुत इमोशनली लाइट फील करने लग जाएंगे। वंस यू स्टार्ट फीलिंग इमोशनली लाइट, फिर आपको चेस के जैसे, चेस में खेलते हो, अपने मूव्स प्लान करने पड़ेंगे एंड अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। बॉस चेंज करना है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज करना है,
करियर चेंज करना है, क्या करना है, वो आपको डिसाइड करना है, राइट? लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. थैंक यू, बाय बाय.